अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है जी। प्लीज़ अपने बारे में हमें इंग्लिश में बताइए। सर, आई एम स्नेहा कमरानी फ्रॉम स्मार्ट स्कूल बडीन कैंपस। आई वांट टू बी अ डॉक्टर फॉर माय स्कूल, फॉर माय टीचर्स, फॉर माय एडवोकेट्स, फॉर माय मेंटर्स, बिकॉज दे आर ऑल देयर हार्ड वर्किंग। दैट्स अमेजिंग। आई एम टॉकिंग इंग्लिश। दैट्स ऑल अबाउट इट। टीचर, दैट्स अमेजिंग। आपके अंदर खूबसूरत बात यह है कि आप अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर लेती हैं, और आप क्रिएटिव हैं, एक्टिव हैं, और आप नॉवेल्स भी पढ़ती हैं, आपको रीडिंग करने का शौक है, और मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, और आप क्रिएटिविटी ये है कि प्रोजेक्ट बनाती हैं। कौन से प्रोजेक्ट बनाती हैं आप? ओह, दैट्स अमेजिंग। मतलब आप काफ़ी इन तमाम चीज़ों में एक्टिव हैं। आपने जो कहानी लिखी है, उस कहानी का मोरल क्या बनता है? जो स्टोरी लिखी थी उसमें जस्ट ये लिखा था कि ऑल वुमेन थी, उन्होंने जंगल में रहती थी, वो अकेली रहती थी, और उनको जो है वो जानवरों के साथ ही उन्होंने फ्रेंडशिप की थी। और जब उनका कोई मुसीबत आती तो जब एनिमल्स तो उसके फ्रेंड थे, तो एनिमल्स उसकी हेल्प आउट करते थे कि कोई खाना मंगवान, मतलब जैसे कि जो जंगल बुक स्टोरी थी लाइक मोगली, तो वो ऑल वुमेन भी इसी तरह थी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम जिस अगर एनिमल्स हो या पीपल्स हो, अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा। That's amazing. तो बेटा, यहाँ पर आपका नंबर मेंशन है, आपका काफ़ी अच्छा हो गया इंटरव्यू, रिलेस भी हो गया है, आप हमारे साथ काम करेंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए तो फिर हम आपको शेयर करते हैं। आप मुझे ये बताएं, कंप्यूटर क्या होता है? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके हमारे पास हमारे डेली बेसिस पे भी फ़ायदे हैं। इसके थ्रू हम अपने जो भी सारे एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, अगर कोई दूर है तो उसको एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट ब्रिंग। और माशाल्लाह, आप काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, और आपने लिखा है आई वांट टू बिकम एडवोकेट। यस, तो आप जरूर बन जाएंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट माय मेंटर्स। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।